कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सप्त भक्ति चैनल देखने वाले सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैंने तीज के ऊपर एक वीडियो बनाकर दिया था, तो तीज जो त्यौहार आ रहा है हरियाली तीज का, उस पे आपने सुबह सुबह जो है नित्य कर्म से निपटकर आपको अच्छे से श्रृंगार करना है और फिर पूजा की चौकी लगानी है, उस पे भगवान शिव और माता पार्वती बैठालनी है और गणेश जी बैठालने हैं। अब अगर आपके पास गौरा की मूर्ति है तो आप गौरा की मूर्ति स्थापित करें, अगर नहीं है तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं और या आटे की गौरा भी बना सकते हैं और या मिट्टी की गौरा बना लें, उनको स्थापित करें और उसके बाद वहाँ पर पुष्प आदि अर्पित करें, माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, कुछ प्रकार के फल आप वहाँ पे अर्पित करें या मिठाई लगाएं भोग में, या फिर आप हलवा पूरी भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप माता को धूप दीप अर्पित करें और हाथ में चावल और जल लेकर संकल्प करें तीज की पूजा का और उसकी व्रत का। तो इसका व्रत जो होता है वो पूजा तक ही रहता है, पूरा दिन नहीं किया जाता। बाकी सबके यहाँ अलग अलग तरह से होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो वो इस तरह से कर सकता है, बाकी जिसके यहाँ जैसे विधि से होती हो वैसे कर ले, पर इसमें आम तौर पे पूजा के समय तक का ही व्रत होता है, जब तक आप पूजा नहीं कर लेते। आप पूजा दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। इसमें जो टाइम होता है वो मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में, चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसमें करनी है कथा। कथा इस तरह से है इसकी कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि वो नगर की सैर के लिए जा रहे हैं, तो माता पार्वती कहती है कि उन्हें भी चलना है। तो शिव कहते हैं कि नगर में जगह जगह अलग अलग चीज़ें होंगी तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो पार्वती कहती नहीं नहीं वो भी देखना चाहती हैं। तो इस तरह भगवान शिव माता पार्वती और गणेश तीनों चल देते हैं। तो जब घूमने के लिए चलते हैं तो एक जगह पे देखते हैं कि किसी औरत का सुहाग वो बहुत बीमार है और वो नहीं बच रहा है। तो पार्वती कहती हैं कि शिव जी से कि उनसे उसका दुख नहीं देखा जा रहा उस औरत का। तो शिव कहते हैं कि ये तो दुनिया है, यहाँ पे कोई हंसता है कोई रोता है, और तुम ऐसे कैसे किसी का दुख देखकर विचलित हो रही हो। पार्वती नहीं मानती है, कहती उनसे उसका दुख नहीं दे रहा देखा जा रहा है। तो शिव और पार्वती उसे अपने आशीर्वाद से स्वस्थ कर देते हैं और उसका पति अच्छा भला चंगा हो जाता है। तो इस तरह वो स्त्री और उसका पति दोनों भगवान और माता की हाँ शीश झुकाते हैं और अर्चना करते हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती अपने बैल पे बैठकर आगे चल देते हैं। तो थोड़ी ही दूर आगे जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो बैल बेचारा नंदी कैसे रगड़ रहा है, तीनों उसके ऊपर जमकर बैठ गए हैं। तो गणेश देव नीचे उतर जाते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती चलने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाते हैं तो लोग कहते हैं क्या जमाना आ गया, माँ बाप देखो ठाट से बैठ के जा रहे हैं, पुत्र बेचारा पीछे रगड़ रहा है। तो फिर गणेश जी बैठ जाते हैं और देवी पार्वती उतर जाती हैं। कुछ आगे जाकर लोग कहते हैं देखो क्या जमाना आ गया, माँ बेचारी पीछे रगड़ रही है, पिता और पुत्र बैठ के ठाट से जा रहे हैं। तो भाई शिव जी उतर जाते हैं, पार्वती बैठ जाती हैं। कुछ आगे चलकर लोग कहने लगते हैं देखो कैसा जमाना आया, माँ बेटा बैठ के जा रहे हैं आराम से, बाप बेचारे पीछे पैदल रगड़ रहे हैं। तो पार्वती भी उतर जाती हैं और अकेले गणेश देव जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं ये देखो पुत्र सवारी चक्कर पे चल रहा है और माँ बाप बेचारे पीछे पैदल रगड़ रहे हैं। तो गणेश जी भी उतर जाते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो लोग बोलते हैं ये देखो तीनों बेचारे पैदल रगड़ रहे हैं, ये इसको देखो नंदी को सांड को कैसे मिठा के चौड़ा होके चल रहा है। तो
पार्वती जी को समझ नहीं पाती, तो शिव जी कहते हैं देखो पार्वती, ये दुनिया है, ये हर हालत में कुछ ना कुछ बोलेगी, तो यही दुनिया का रीत है। खैर थोड़ा आगे चलते चलाते पार्वती जी का मैका पड़ता है, तो पार्वती जी कहती हैं कि वो अपने मैके जाएंगी, तो शिव जी कहते हैं कि नहीं, वो नगर की सैर को निकले हैं और वो मैके ना जाएं। तो पार्वती जिद करने लगती हैं कि वो ज़रूर जाएंगी, उनका मैका पड़ा है। तो शिव जी कहते हैं ठीक है जल्दी आ जाना। पार्वती कहती हैं हाँ आ जाएंगे, लेकिन जब तक शिव जी कहते हैं अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे बैल की टांगे तोड़ दूंगा। तो पार्वती कहती हैं ठीक है। पार्वती जी मैके जाती हैं, उनके यहाँ 84 लाख देरिया होती है, और पार्वती सबसे मिलते भेटते उनको बहुत देर लग जाती है। शिव जी को गुस्सा आने लगती है, वो बैल की एक टांग तोड़ देते हैं, फिर भी पार्वती नहीं आती, तो शिव जी बैल की दूसरी टांग तोड़ देते हैं। ऐसे करते करते बैल की चारों टांगें टूट जाती हैं, तब पार्वती आती हैं। शिव जी कहते हैं मैंने तुम्हारे बैल की टांगें तोड़ दी, तुमने तो बड़ी देर लगा दी। पार्वती बोलती है सबसे मिलते भेटते देर हो गई, और वो बहुत सारा सुहाग का सामान लई। तो अब शिव जी कहते हैं अब कैसे जाओगी, मैंने तो बैल की सब टांगें तोड़ दी। तो पार्वती उसके पेट में सारा सामान रख देती हैं और कहती हैं उनके बैल में सत्य होगा तो पेट के बल चलेगा। खैर बैल पेट के बल चलता है, और जब नगर कैलाश के नज़दीक पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर उसका पेट फट जाता है, सारा सुहाग का सामान बह जाता है। तो पार्वती नगर में ढुंढोरा पिटवाती हैं कि पार्वती अपने मैके गई थी, वहाँ से सुहाग की सामग्री लाई है, जिस किसी को लेना हो वो ले जाया कर। तो सारी नगर की जो स्त्रियाँ होती हैं तो वो सब दौड़ दौड़ के नीचात भर भर के ले जाती हैं, ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात वस्त्र और बहुत सारी श्रृंगार की सामग्री सब ले लेकर चली जाती हैं। लेकिन पार्वती जो है वहाँ पर बैठी देखती रहती हैं, तभी जो सुहाग की सामग्री होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर कुछ स्त्रियाँ और आती हैं तो वो बोलती हैं सुहाग की सामग्री चाहिए, तो पार्वती कहती हैं वो तो सब ख़त्म हो गई, तुमने बड़ी देर लगाई। तो कहने लगी हम उठ जाते हैं, हम सजते 16 सिंगार करते, कंघी महावर करते, तब तो आते, हम ऐसे थोड़ी ना उठ के चले आते। तो पार्वती कहती हैं कि अब क्या करा जाए। तो वो इस तरह कहती हैं आपने सुहाग देने के लिए बुलाया है तो आप हमें सुहाग दीजिए। तो पार्वती कहती हैं कि ठीक है हम तुम्हें अपनी मांग से 7 चुटकी सिंदूर देते हैं। तो इस तरह पार्वती उनको सिंदूर प्रदान करती हैं अपनी मांग से। इस तरह बोलकर पार्वती की मांग से सिंदूर चढ़ाकर फिर उन्हें लिया जाता है। तो सिंदूर लेने की प्रक्रिया करें, उसके बाद माता उन्हें आशीष देती हैं कि तुम्हारा सुहाग बना रहेगा, और जो स्त्रियां सुहाग की सामग्री और सब लेती हैं वो सुहाग बार बार बदल भी सकती हैं, लेकिन तुमने क्योंकि पार्वती की मांग से सिंदूर लिया है तो तुम्हारा एक ही सुहाग अमर रहेगा। इस तरह सभी स्त्रियां माँ की मांग से सिंदूर लेती हैं और माता को वापस सिंदूर चढ़ाती भी हैं, ताकि माता भी सुहागन रहे और समस्त स्त्रियां भी जो माँ की मांग से सिंदूर लेती हैं वो भी सुहागन रहे। इस तरह ये कहानी पूरी होती है और माता पार्वती से आशीर्वाद पाकर वो स्त्रियां बहुत प्रसन्न होती हैं और खुशी खुशी अपने घर जाती हैं। अब इसके बाद माता को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं और माता के लिए जो मिठाई वगैरह अर्पित की है वो सब माता को चढ़ाएं, उनसे बोलें कि वो भोग लगाएं अपने पति और संतान सहित। इसके बाद वहाँ पर जल अर्पित करें माता को, और इसके बाद अब आप जो है वो प्रसाद उठा लें और ले जाकर घर में बांट दें इसको और खुद भी खाएं, और अब आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब इसके बाद आप अच्छा जो भी आपने पकवान बनाए हो घर में उसे स्वीकार करें और अच्छे से खाएं, हंसी खुशी ये दिन गुजारें। और इस तरह ये तीज की व्रत की कथा होती है। इस कथा को सुनाएं और माता का आशीर्वाद लें। जय श्री कृष्णा।